गाइस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की इंस्टॉलेशन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई और उसकी स्पीड टेस्ट की मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं जियो गीगा फाइबर वर्सेस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, इनके प्लान क्या हैं, इनके साथ आपको क्या स्कीम देखने को मिलती है और इनकी अंदर की बात क्या है, इनमें से आपको कौन सा लगवाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इनकी मेन बात पता लगने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस जियो गीगा फाइबर वर्सेस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, यहाँ पर हम इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर पांच पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको पता लग जाएगा इनमें से कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा लगवाना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है इसका प्लान और इसके साथ आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। गाइस जो इनके प्लान है वो लगभग सेम से आपको देखने को मिल जाते हैं। जियो के अंदर आपको 399 रुपए का प्लान देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपने 18% जीएसटी को भी ऐड करना है। इसके बाद आपको 30 एमबीपीएस का अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिल जाएगा। और गाइस उसके बाद आता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, इसका जो प्लान है वो है 499 का, इसके साथ आपको 18% जीएसटी भी ऐड करना होगा। उसके बाद आपको 40 एमबीपीएस का प्लान देखने को मिल जाता है जो कि अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ आता है। तो यहाँ पर जो रेट है यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का ज़्यादा है, बट गाइस यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, 10 एमबीपीएस एक्स्ट्रा दी गई है, इसी वजह से यहाँ पर इसका रेट भी आप ज़्यादा देख पाएंगे। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है प्लस यहाँ पर थोड़े पैसे भी ज़्यादा है एयरटेल के अंदर, बट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। साथ ही में अगर सेटअप बॉक्स की बात करें तो दोनों के साथ आपको देखने को मिलेगा, जियो के साथ आपको सेटअप बॉक्स देखने को मिल जाता है, एयरटेल के साथ आपको एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर दोनों के लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर जो आपके पैसे हैं वो रिफंडेबल हैं, दोनों के अंदर ही आपके पैसे रिफंडेबल होते हैं। अगर आप सिर्फ इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप राउटर को ले सकते हैं ओनली, बट अगर आपने सेटअप बॉक्स लेना है इन दोनों का तो आपको इन दोनों के लिए अलग से पैसे भरने पड़ेंगे। तो बिना इनका प्लान भी आता है तो उसके साथ भी प्लान आता है, तो दोनों के साथ आपको सेटअप बॉक्स देखने को मिलेगा अगर आप अलग से पैसे भरोगे। बाकी के जो एयरटेल के और जियो के प्लान हैं वो लगभग आपको सेम देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा रुपए का अंतर है, बट यहाँ पर जो उसका प्राइस है वो लगभग सेम सा देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर आप सेटअप बॉक्स लोगे और उसके साथ आपका रिचार्ज कराओगे बड़े वाला एयरटेल के साथ और जियो के साथ, तो यहाँ पर आपको OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा। तो लगभग प्लान्स के मामले में सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा एयरटेल अच्छा भी पड़ जाता है और कुछ मामलों में यहाँ पर जियो भी अच्छा पड़ जाता है। गाइस जो सेकंड पॉइंट है वो है पैक या इनके साथ कोई स्कीम देखने को मिलेगी जियो और एयरटेल के अंदर। अगर सबसे पहले हम एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको स्कीम देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर लगी है। अगर आप 3 मंथ का कराते हो या फिर उससे ज़्यादा करवाते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी स्कीम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता हुआ 799 वाला प्लान है जिसके अंदर आपको 100 एमबीपीएस का देखने को मिल जाता है इंटरनेट अनलिमिटेड, अगर आप इसको बुकिंग करते हो 3 मंथ वाले प्लान के साथ। सो गाइस अगर आप यहाँ पर 2800 रुपये भरते हो 3 मंथ वाले प्लान की बुकिंग के लिए, तो यहाँ पर जो इसकी वायर है, इंस्टॉलेशन, राउटर, ये सब आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। 3 मंथ के लिए फ्री 100 एमबीपीएस का इंटरनेट देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें जियो की तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, इस टाइप की स्कीम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट आप जाकर जियो के स्टोर में पूछ सकते हैं शायद वहाँ पर कोई स्कीम हो, बट यहाँ पर अभी कोई ऐसी कोई स्पेशल स्कीम नहीं है। बट वहाँ पर भी अगर आप कुछ ज़्यादा मंथ का कराते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जो बेस्ट स्कीम है ये यहाँ पर एयरटेल वाले दे रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 मंथ का कराओगे तो बिल्कुल फ्री में इंटरनेट देखने को मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन, वायर और सभी चार्ज आपके यहाँ पर फ्री हो जाएंगे। सो गाइस स्कीम और प्लान के मामले में एयरटेल बेस्ट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि गाइस जो इसका 3 मंथ वाला प्लान है या फिर इससे ऊपर का प्लान है ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको बाकी सभी चीज़ें फ्री देखने को मिल जाएंगी। गाइस यहाँ पर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें वो है स्पीड टेस्ट, जियो वर्सेस एयरटेल फाइबर, इनमें से किस किस स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर एयरटेल की बात करें तो अगर आपकी स्पीड, आपको 100 एमबीपीएस वाला प्लान करवा रखा है तो यहाँ पर आपको 120 एमबीपीएस की स्पीड भी देखने को मिल सकती है और उससे ज़्यादा की भी देखने को मिल सकती है, यानी कि आप जितने का प्लान कराओगे उससे ज़्यादा स्पीड आपको कई बार देखने को मिल जाती है, जितनी अपलोड की है उतनी ही डाउनलोड की होगी। सो गाइस यहाँ पर आपको अपलोड और डाउनलोड की स्पीड कई बार सेम देखने को मिल जाती है, कई बार ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट लगभग सेम देखने को मिलती है। जितनी स्पीड वाला प्लान कराओगे उससे कई बार ज़्यादा ही आपको स्पीड देखने को मिलती है। बट गाइस अगर हम यहाँ पर जियो की बात करें तो स्पीड के मामले में एयरटेल से ये थोड़ा सा कम है, बट ये भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिल जाता है। 100 एमबीपीएस वाले प्लान में आपको 100 एमबीपीएस या फिर इससे थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, बट एयरटेल के अंदर आपको ज़्यादा स्पीड भी देखने को मिल जाती है जितने का आप प्लान कराओगे। तो स्पीड के मामले में यहाँ पर एयरटेल आपको अच्छी स्पीड देने वाला है। जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर का
जो फोर्थ डिफरेंस पॉइंट है वो है लैंडलाइन और फ्री कॉलिंग। दोनों के अंदर आपको फ्री कॉलिंग देखने को मिल जाएगी और राउटर के अंदर आपको लैंडलाइन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, बट साथ में आपको टेलीफोन नहीं मिलने वाला है, उसको आपने अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो साथ में कोई नहीं दिया गया है, बट दोनों के अंदर आपको लैंडलाइन का नंबर देखने को मिलेगा, एयरटेल के अंदर भी और यहाँ पर जियो के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप फ्री कॉलिंग कर सकते हो कहीं पर भी। बट गाइस आपको कोई भी टेलीफोन नहीं मिलेगा, उसको आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, जो कि आपको 500-700 रुपए का देखने को मिलेगा। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वर्सेज जियो गीगा फाइबर, इसका जो डिफरेंस में पांचवा पॉइंट आता है वो है बुकिंग। अगर आप इन दोनों की बुकिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, बट गाइस यहाँ पर आप इनके स्टोर के ऊपर भी जा सकते हो। जैसे कि अगर आप एयरटेल वाले की बुकिंग करवाना चाहते हो तो आप एयरटेल के स्टोर के ऊपर जा सकते हो, या फिर अगर आपने जियो की करवानी है तो गाइस आप वहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हो, बट यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन दे दिया है। और गाइस आप ऑनलाइन ही करना अगर आप जल्दी से करवाना चाहते हो, तो दोनों की वेबसाइट और ऐप के अंदर ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप कई बार जाओगे स्टोर के ऊपर पूछने तो गाइस वहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर की वजह से कई बार वो आपका ऑर्डर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपने ऑनलाइन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने को मिल सकता है इनकी इंस्टॉलेशन और बुकिंग के अंदर अगर दोनों की बात करें, अगर वहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर आए तो। सो गाइस अगर आपके एरिया के अंदर एयरटेल और जियो का फाइबर है तो गाइस आपके एरिया के अंदर लग जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर वहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा हुए तो। बट गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। गाइस अगर मैं अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की बात करूँ तो यहाँ पर इसको पूरा एक हफ्ता लग गया था, एक हफ्ते से भी यहाँ पर ज़्यादा हो गया था। तो गाइस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि गाइस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर थे, बट अगर ऑर्डर कम होंगे तो ये काफ़ी जल्दी लग जाता है। सो गाइस ये था जियो गीगा फाइबर वर्सेस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। इनके अलावा भी और भी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं इन दोनों की, तो वो आप पढ़ सकते हैं। कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेस्ट लगा, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।